नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मकड़ी और भूत अंकल फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। भूत अंकल सन 2006 में आई एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, देव कांटावाला, के गोस्वामी, अखिलेंद्र मिश्रा, शीला देवी, रशिका जोशी और शीना बजाज नजर आए थे। इस फिल्म को मुकेश सहगल ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस अनीश अर्जुन देव और कृष्णा चौधरी ने किया था और इसकी कहानी अनीश अर्जुन देव ने लिखी थी। इस फिल्म को मात्र 20 स्क्रीन्स के साथ 13 अक्टूबर सन 2006 को रिलीज किया गया था। वहीं बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 2,50,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 4,50,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 1,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 4,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड यानी इंडिया ग्रॉस के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 5,00,000 का ग्रॉस कलेक्शन किया था और ये फिल्म डिसास्टर साबित हुई थी। वहीं बात करें म्यूजिक की, तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक बाबा सहगल ने दी थी। वैसे तो इस फिल्म में कुल 5 गाने थे, पर एक इसके टाइटल सॉन्ग को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी गाने फ्लॉप रहे थे। तो अब जानते हैं मकड़ी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। मकड़ी सन 2002 में आई एक फैंटेसी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में श्वेता बासु प्रसाद, शबाना आजमी, मकरंद देश पांडे, दयाशंकर पांडे और अलाप मंजगांवकर नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस विशाल भारद्वाज ने किया था और इसकी कहानी भी विशाल भारद्वाज ने ही लिखी थी। इस फिल्म को भी मात्र 35 स्क्रीन के साथ 22 नवंबर सन 2002 को रिलीज किया गया था। वहीं बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 1,25,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 1,15,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 7,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 36,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 1,52,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। वहीं बात करें म्यूजिक की, तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक विशाल भारद्वाज ने दिए थे। इस फिल्म के लिए श्वेता बासु प्रसाद को उनकी शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड भी मिला था। भले ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रही थी, मगर कुछ लोगों की ये फिल्म उस समय काफी पसंद आई थी। तो दोस्तों, आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन न्यूज अपडेट्स और रिव्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।